हेलो दोस्तों, वेलकम बैक इन माय ब्लॉग। और ये हमारे घर में जो पीछे नया पोर्शन बना है वहाँ पे इस टाइम पर मैं हूँ। अभी तो घर देखने में एकदम चकाचक सा लग रहा है, बट अभी थोड़ी बहुत इसकी डस्टिंग करनी है क्योंकि कल यहाँ पर है कीर्तन। तो कीर्तन होने से पहले हम लोगों को यहाँ डस्टिंग करके इसको क्लीन कर देना, और इसी रूम में कीर्तन होना है। परी आ गई। करनी है सफाई, ये जो सब पूरा फैला हुआ है ना, इसका एकदम क्लीन करना है। तो कमर कस लेनी है, अच्छे से सफाई करनी है ताकि कीर्तन के टाइम पे सब कुछ एकदम बढ़िया बढ़िया लगे दिखने में। तो ये है मेरी माता की चौकी जो मैंने डेकोरेट कर दी थी अच्छे से, और बहुत ही प्यारा लग रहा है। आप सब कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मैंने दीप जो है प्रज्वलित कर दी है, और इसका जो मैंने पूरा मिनी ब्लॉग बना के डाला है कैसे मैंने इसको डेकोरेट किया था माता की चौकी, अगर आप चाहिए तो मैं लिंक डाल दूंगी, आप देख लीजिएगा। तो लेडीज़ आनी शुरू हो गई हैं, तो जैसे जैसे लेडीज़ आती हैं उसमें पहले टीका करते हैं फिर कीर्तन शुरू होता है। तो जैसे जैसे लेडीज़ आती जाएंगी मैं सबको टीका करते जाऊँगी। मम्मी मुझे यहाँ पर टीका कर रही हैं, और इसके बाद अब कीर्तन जो है माता की चौकी में, मतलब जो माता जी के भजन होते हैं वो शुरू होने वाले हैं। तो दिखाते हैं, एकदम भक्तिमय माहौल होने वाला है अब यहाँ पर। तो माता की चौकी में कीर्तन होता है, प्रसाद बनते हैं, प्रसाद बंटने के बाद उनको भोग लगता है। तो पूरा प्रोसेस मैं दिखाऊंगी कि माता की चौकी अगर आप फर्स्ट टाइम ऑर्गेनाइज करें अपने घर में, करने की सोच रहे हैं तो किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे देखिए कीर्तन जो है वो शुरू हो गया है। तो पहले थोड़ा सा भजन हम लोग सुन लेते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। तो मम्मी मेरी सासू माँ है और दोनों बच्चों के साथ, यानी मेरे बेटे और मेरी देवरानी की बेटी के साथ बैठे हैं, और यहाँ भजन में एकदम सब लोग भक्तिमय माहौल में माता रानी की जय जयकार कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। क्योंकि हमारा नया घर था और इसको हम लोग अच्छे से यूज़ करने से पहले सोचा कि माता का कीर्तन कर देते हैं, माता जी का आशीर्वाद मिल जाएगा, उसके बाद इसको किराए पे देना है इस पोर्शन को। तो यहाँ के किचन को भी हम लोगों ने शुभ कर दिया यूज़ करके, चाय पानी नाश्ता करा करके। तो चाय बनने के लिए दूध चढ़ा दिया यहाँ पर। और अभी कीर्तन होने के बाद अब हो रही है आरती। तो आरती मम्मी से, सबसे पहले मम्मी से शुरू हो रही है, फिर जितने लोग हैं सभी लोग बारी बारी से माँ की आरती गाते हुए आरती करेंगे। अम्बे गौरी यहाँ पर मैंने भी कर ली है आरती, और बहुत अच्छा लगा। और इसमें आरती करने के बाद पहले कीर्तन होता है, लेडीज़ आती है, सबसे पहले टीका किया जाता है, उसके बाद माता का कीर्तन होता है, फिर होती है आरती। आरती के बाद इसमें अब माँ को भोग लग रहा है। तो माँ को जो भोग लगता है वो दिखाते नहीं है, तो एक चुनरी से ऐसे पूरा ढाँक लेते हैं, कवर कर लेते हैं, और उसके बाद आपके घर में जो भी हेड है, जैसे मेरी मम्मी यहाँ पर सासू माँ, वो माता जी को, सारे भगवान लोगों को भोग लगा रही है, जो हम लोगों ने घर पर प्रसाद बनाया था जिसमें था चरणामृत और पंचमेवा का पूरा भुना हुआ प्रसाद था, और पेड़ा और फल थे जो भी आप अपने श्रद्धा अनुसार चढ़ा सके। तो इन सब का मम्मी भोग लगा रही है माता रानी को, इसके बाद बाकी के प्रसाद में मिला करके सभी को दे दिया जाएगा। तो ये होता है माता रानी को भोग लगाना, और इसके बाद प्रसाद वितरण होगा, मतलब सभी जितने भी लेडीज आई हैं सभी को प्रसाद दिया जाएगा, और ये भोग लग गया माता रानी का। ये तो ये है वो प्रसाद, फल चरणामृत और जो पंचमेवे का प्रसाद भून के हम लोगों ने बनाया था,
तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ क्या होता है ये। और इस तरीके से मेरी मम्मी जो है, मेरी मम्मी आई हुई थी तो प्रसाद बांट रही हैं। तो उसके बाद प्रसाद देने के बाद सबको चाय नाश्ता करा करके फिर लेडीज़ को हम लोग विदा करेंगे। तो माता की चौकी बहुत अच्छे से हुई, तो हम लोगों ने कीर्तन किया, बहुत अच्छा लगा अपनी फैमिली के साथ। आप लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत मजा आया। चाची जी, मम्मी मेरी और ये मेरी मम्मी, तो मम्मी ने मेरा बेटा, अरे बेटा तो एकदम मगर है, फोन में मोबाइल में हो गए हैं। और ये मेरी माता रानी, माता रानी की चौकी। आप सब कमेंट करके बताना कि कैसा लगा। माता जी की चौकी में सिर्फ बड़े ही नहीं, बच्चे भी बहुत ही एकदम मस्ती के माहौल में थे। तो मेरा बेटा और मेरी मामी का बेटा दोनों एकदम मस्ती के मूड में है। तो मेरा बेटा तो एकदम बच्चों के साथ, स्पेशली इसके साथ तो बहुत अच्छे से घुल मिल गया है। तो ये देखिए, आदि गए हैं अपने छोटे से भाई का, भाई नहीं ये छोटे से मामा है आदि के, यानी मेरे बेटे के, तो ढोल बजा रहे दोनों। मेरे हस्बैंड आए कीर्तन के बाद, लेडीज़ के जाने के बाद, तो हम लोगों ने भी बैठ के माता रानी का स्तुति करके, ध्यान करके आशीर्वाद लिया माता जी का। तो बहुत अच्छा लगा बहुत। आई होप अगर आप फर्स्ट टाइम करने को सोच रहे होंगे तो आपको थोड़ा इन्फॉर्मेटिव लगा होगा ये वीडियो, कि आप हाँ ईजिली अच्छे से अपने घर पे माता की चौकी कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। तो मैं एक बार आपको अपने घर का टूर करा देती हूँ, नए वाले घर का। तो ये थी माता की चौकी, माता जी का कीर्तन जिस रूम में हुआ था। तो मैं आपको पूरा बाहर से दिखाती हूँ। ये ऊपर से हम लोग आए, पीछे से आए तो हम लोग ऊपर वाली सीढ़ी ही यूज़ करते हुए आए, वरना फ्रंट गेट से नीचे से आते हैं। दो रूम है, एक्चुअली दो पोर्शंस हैं। एक पहले मैं इधर आपको छोटे वाले साइड में ले चलती हूँ। तो इसमें ना दो रूम है। इस रूम में किचन अटैच है आपका ओपन एरिया में, प्लस छोटी सी बालकनी है। प्लस यहाँ से जब हम अंदर जाएंगे तो एक नेक्स्ट रूम आता है जिससे वॉशरूम आपका अटैच है, टॉयलेट एंड वॉशरूम दोनों। तो ये एक पोर्शन में है, यहाँ पे एक फैमिली चाहे तो अपनी रह सकती है। एंड पूरा वेंटिलेशन विंडो का ध्यान रखते हुए किया गया है कि ताकि सफोकेशन ना हो। हर जगह में यही प्रॉब्लम आती है कि ओपन एरिया सभी को चाहिए होता है। नेक्स्ट जो पोर्शन है वो एक बड़ा सा रूम है जिसमें किचन एंड वॉशरूम दोनों अटैच है। ओपन एरिया का किचन है और जहाँ पे हम लोगों ने माता की चौकी की थी। अभी कीर्तन अच्छे से हो गया और कीर्तन हुए भी 2 घंटे हो गए। बोलते कि तुरंत माता रानी को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, तो हम लोग 2 घंटे तक यहाँ बैठे थे, बातें बातें कर रहे थे, माता रानी का अच्छे से दर्शन कर रहे थे मिलान से। तो बहुत अच्छे से संपन्न हुआ सारा कार्यक्रम कीर्तन का हमारे यहाँ नए घर में। और अब डैडी को छोड़ के हम लोग जा रहे हैं अपने पुराने घर में, क्योंकि अभी डिनर कराना सभी को, तो उसकी तैयारी करनी है। तो गाइज, आपको मेरा माता की जौगी वाला ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ करें लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब श्रद्धा सिंह लॉ मेरे यूट्यूब चैनल को। एंड आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो कर सकते हैं श्रद्धा/रेसिपी पर। और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। और माता रानी उपसो मेरे साथ साथ आप सब पे भी पूरी कृपा बनाए रहें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक टाटा बाय बाय एंड जय माता दी।